नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लिटिल नाइटमेयर्स थीम पर, यानी कि उसी थीम पर एक और गेम आने वाला है जो कि रियली में बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। लेकिन उससे पहले बिग थैंक्स टू चैनल मेंबर्स, एसएनएस फैंस, द ट्रू ग्रीक गॉड लेथल, क्रेटोस, यूएन आइकॉनिक वाईटी, राहुल, वीकेवर्स फैन वन और हमारे डायमंड मेंबर रिहान। सो अगर आप चाहते हो हमें सपोर्ट करना तो बहुत इजीली कर सकते हो चैनल पे दिए गए ज्वाइन बटन में क्लिक करके, जहां पर आपको मिलता है हर वीडियो का एक्सेस और भी बेनिफिट कई सारे होंगे। सो जाने से पहले एक बार चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट देन, लिटिल नाइटमेयर्स 1 और लिटिल नाइटमेयर्स 2 विद डीएलसी, ऐसे बेहतर और जबरदस्त गेम को बनाने वाला स्टूडियो यानी कि टार्सिस स्टूडियोस, अब सबको पता है कि चैप्टर 3 पार्ट 3 नहीं बना रहा है लिटिल नाइटमेयर्स का, यहां तक कि वो डीएलसी भी नहीं बना सकता ऑफ लिटिल नाइटमेयर्स 2, क्योंकि अब जो उसके राइट्स हैं वो ले लिए हैं। लेकिन यहां पर जो स्टूडियो है उन्होंने खुद ये बात कंफर्म करी है कि जी हाँ, दे डन विद लिटिल नाइटमेयर्स सीरीज, यानी कि अब आने वाले फ्यूचर में हमें इनका कोई भी प्रोजेक्ट नेम्ड एज लिटिल नाइटमेयर्स देखने को नहीं मिलने वाला, ना उसकी डीएलसी, ना उसका प्रीक्वल, ना उसका कॉमिक्स या फिर कुछ भी नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता है कि बैंडाई नैमको की फ्रेंचाइज है लिटिल नाइटमेयर्स, जो कि अब तक टार्सिस स्टूडियोज बनाता आ रहा था, लेकिन जो इस स्टूडियो की पेरेंट कंपनी है यानी कि एम्ब्रेसर ग्रुप, उन्होंने अब फाइनली उस सीरीज को हटा दिया है और अब वो चाहता है कि जो टार्सिस स्टूडियोज है वो अपना कोई गेम आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर एक फाइनली फर्स्ट ग्लिम्स हमें देखने को मिल चुका है द अपकमिंग गेम फ्रॉम द टार्सिस स्टूडियो। जी हाँ, फाइनली हमें वही स्टूडियोज अब वैसे ही जस्ट लाइक लिटिल नाइटमेयर्स गेम बना रहा है, जो कि असल में देखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। फिलहाल के लिए इन्होंने अपने नए गेम का एक फोटो शेयर करी है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लिटरली इस चीज़ को देखकर पूरी तरह से वाइब आती है लिटिल नाइटमेयर्स यूनिवर्स की। जी हाँ, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक पूरा अंधेरा, यानी कि एक रात का सीन है जहाँ पर नदी है, समुद्र में एक छोटी सी चीज़ चमक रही है जो कि असल में एक स्मॉल बोट है, जहाँ पर मे बी कुछ लोग हैं। आई डोंट नो कि वो लोग हैं या फिर वो चिल्ड्रंस हैं, और वहीं पर बोट में एक लैम्प है। लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि वो जो बोट है वो एक समुद्र में है और उसी के ठीक ऊपर हम देखते हैं एक क्लिफ यानी कि एक पहाड़। ये चीज़ शो करती है कि मे बी जो इनका अपकमिंग गेम है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही शांत जगह पर और ऐसी हॉरर जगह पर बेस्ड होने वाला है। अब यहाँ पर आप ये मत बोलना कि एक्चुअली ये एक फेरीमैन के ऊपर गेम बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गेम एकदम नया है लेकिन वही फील देगा आपको लिटिल नाइटमेयर्स जैसी, और वो इसलिए क्योंकि हमें पता है टार्सिस स्टूडियोज लिटिल नाइटमेयर्स जैसे हॉरर गेम्स बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त बनाते हैं। उनका जो डरावना एटमॉस्फेयर होता है गेम के अंदर वो रियली में ज़बरदस्त होता है, एक नंबर होता है, और वही चीज़ पर अब हमें नए गेम देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही ग्लिम्स हमें दिखाया गया है, लेकिन इससे पहले भी बहुत पहले उन्होंने अपने ट्विटर पे यानी कि एक साल पहले 24 मई 2022 को ये वीडियो अपलोड करी थी, जहां पर लिखा हुआ था वी हैव बीन बिजी, और जो वीडियो है वो कई हद तक आपको याद दिलाएगा लिटिल नाइटमेयर्स की, जहां पर हमें बहुत सारे शॉट देखने को मिलते हैं, मे बी वो आने वाले अपकमिंग गेम्स से होंगे। और वहीं पर हमें एक कार दिखती है जो कि ये चीज़ शो करती है कि मे बी ये गेम कई हद तक सिटीज़ में भी होने वाला है। वहां पर रोड दिखती है यानी कि वहां पर फ्लाईओवर है, वहां पर एक हट है जो कि बहुत बड़ा है, और कुछ और चीज़ें जो कि हम फिलहाल के लिए नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ शो करती है कि मे बी लिटिल नाइटमेयर्स, बेशक उन्होंने मना कर दिया हो, लेकिन वैसा ही गेम वो अब अपना खुद का बनाने वाले हैं। और ये चीज़ वो फोटो शेयर करके बता चुके हैं, जहाँ लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड इन फेजेस ऑन न्यू। वहीं पे अगर आप एक और फोटो देखोगे जो कि उन्होंने अपने बैनर पे लगाई है, वो एक्चुअली सेम इसी गेम की है। समुद्र के पास यानी कि एक पहाड़ी के नीचे एक टेंट लगा हुआ है, और उसी टेंट के पास कोई आँख जला के बैठा हुआ है जो कि आँख सेक रहा है। दिखने में ये उसी पिक से मैच करता है जो कि उन्होंने पोस्ट करी है, जहाँ पर हमें दिखता है कि एक रात का सीन है और बोट में कुछ लोग हैं, वहीं पे सामने एक पहाड़ है, एक क्लिफ है, और नेक्स्ट फोटो में हम ये देख पाते हैं कि वहीं कहीं पास में ही कोई वहाँ पे ऑलरेडी है जो कि एक टेंट लगा के रह रहा है, वो आँख सेक रहा है। लेकिन जो थीम है इस दोनों पिक्स का वो एक जैसा ही है, डार्क, हॉरर और मिस्टीरियस। अब फिलहाल के लिए इस गेम का नाम क्या होने वाला है और इस गेम की कहानी क्या होने वाली है वो तो बाद की बात है, फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतनी ही चीज़ एज ए हिंट हमें देखने को मिला है फ्रॉम द टार्सिस स्टूडियोज, जिसका मतलब है जी हाँ,
लिटिल नाइटमेयर्स जैसा ही गेम आगे आने वाला है, जो कि क्या पता कि उससे भी ज्यादा डरावना होगा और उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा और स्टोरी भी उससे जबरदस्त होगी, क्योंकि यहाँ पर कहानी अब तक जो भी हम देख पाए हैं लिटिल नाइटमेयर्स के यूनिवर्स में वो ऑलरेडी इन्होंने ही लिखी है, इन्होंने बनाई है, और जो भी हमें डर का डोज मिला है फ्रॉम द लिटिल नाइटमेयर्स सीरीज वो इन्हीं की बदौलत है। और अब यही स्टूडियो एक वैसे ही एक अलग गेम पे काम करने वाला है, तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है फिलहाल के लिए मेरे लिए और जो लोग दिल से चाहते हैं लिटिल नाइटमेयर्स सीरीज को उनके लिए भी। सो आपको क्या लगता है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि क्या आप इस गेम के लिए एक्साइटेड हो या फिर आप नहीं हो। बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं लिटिल नाइटमेयर्स 3 का, उनको मैं एक बात बता दूं, गेम का कुछ पता नहीं है, बस हमें इतना पता है कि जो बैंडाई नैमको है वो न्यू स्टूडियो ढूंढ रहा है उस गेम को बनाने के लिए, जहां पर जो हमें इनहेंस वर्जन देखने को मिला था लिटिल नाइटमेयर्स 2 का वो बनाया था सुपर मैसिव गेम्स ने। तो क्या पता कि वही स्टूडियो काम कर रहा हो ऑफिशियली इस डीएलसी पे या फिर लिटिल नाइटमेयर्स 3 पे, वो हमें नहीं पता, क्योंकि अभी कहीं भी हमें ऐसा कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। फिलहाल के लिए लगा था कि मे बी इस साल E3 में जो बैंडाई नैमको है वो एक नया स्टूडियो रिवील कर दे जो कि इस सीरीज पे काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा बैड लक है कि अगेन इस साल भी E3 कैंसिल हो चुका है। सो आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन जो टाटा स्टूडियोज जो इस गेम पे काम कर रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप कि आने वाले टाइम में हमें जल्द से जल्द कुछ और डिटेल्स देखने को मिल जाए, मे बी इसका नाम पता चल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट देन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो। चैनल पर नए हो और आपको ऐसे ढेर सारे हॉरर कंटेंट्स पसंद है लाइक पॉपी प्ले टाइम, लिटिल नाइटमेयर्स और भी कई सारे गेम्स जिसकी थ्योरी आप जानना चाहते हो इन डेप्थ, सो एक बार चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलो हमारा चैनल। मिलूंगा आपसे मैं जल्द ही एक नए एपिसोड में जहां पर हम और गेम्स को और कवर करेंगे। टिल देन मैं वीके, मिलता हूं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें, मजे करें, खुश रहें और देखते रहें। धन्यवाद।